नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अनुज चावला है और मैं एक फुट एंकल सर्जन हूँ। तो आज हम एक केस के बारे में बात करेंगे, इसमें पेशेंट के बारे में उसको क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, क्योंकि ये पर्टिकुलर कंडीशन बहुत कॉमन मैं देखता हूँ। तो इसमें क्या था कि एक लड़की जो कि ऑलमोस्ट मतलब 30-35 साल की एक फीमेल है, जिसको बचपन से जो पैर है उसमें इक्वाइनस कॉन्ट्रैक्चर है। इक्वाइनस कॉन्ट्रैक्चर का मतलब कि ये जो एंकल जॉइंट है ये पूरा का पूरा ऐसे नीचे गया हुआ है, और वो पेशेंट बचपन से उसी के साथ चलती जा रही है। और अब वो आई हुआ है कि अभी अब इतने समय से ऐसे चल रही है, तो इट इज़ लाइक कि फॉर एवर शी इज़ वॉकिंग विद लाइक अ 4 इंच हील या 5 इंच की हील के साथ वो चल रही है। तो चल रहा है काम, क्योंकि दूसरे में भी हील डाल देते हैं, तो सारा का सारा काम चल रहा है, एबल टू डू मोस्ट ऑफ द एक्टिविटीज। बट अब जाके 30-35 साल की उम्र पे उसको दर्द होने लग गया है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी पे। तो सबसे ज्यादा ऐसे चीजों में दर्द कहाँ हो सकता है, दर्द हो सकता है पैर के अंगूठे और उंगलियों में, क्योंकि जब आप हील्स में पहनोगे तो इस एरिया में प्रेशर काफी ज्यादा पड़ता है, तो इधर दर्द होने लग जाता है ऐसे पेशेंट्स को। दूसरा दर्द होता है दूसरे पैर में, तो क्योंकि आपका हील हाई में है तो वो देखा जाए तो वो वाला पैर जो है वो अपेरेंटली लंबा हो जाता है, तो उसकी वजह से ये वाला घुटना जो है वो फोल्ड करके रखते हैं पेशेंट जिस साइड में इक्वाइनस कॉन्ट्रैक्चर है, और दूसरे पैर में वो प्रेशर डालते हैं, तो उसकी वजह से दूसरे पैर में दूसरे घुटने में प्रेशर पड़ सकता है बिकॉज वाला प्रेशर उस पर डालते हैं। और इतना ही नहीं, दिस थिंग कैन एक्चुअली लीड टू नॉन अलाइनमेंट एट द स्पाइन लेवल ऑल्सो। क्यों? क्योंकि अगर एक पैर अपेरेंटली लंबा है उस इक्वाइनस कॉन्ट्रैक्चर की वजह से, तो वो पेशेंट जब खड़ा होगा तो हो सकता है उसका पेल्विस थोड़ा सा टिल्ट भी हो, पेल्विस यानी कि ये वाली बोन, और उसकी वजह से स्पाइन जो है आपकी रीढ़ की हड्डी है उसमें भी टेढ़ापन आ जाता है, जिसको कहते हैं स्कोलियोसिस। सो ये जो फीमेल है सिर्फ 36 साल की है और उनको पैर में स्कोलियोसिस, उनको स्पाइन में स्कोलियोसिस आने लग गया इस पैर के डिफॉर्मिटी की वजह से, तो जिसकी वजह से कमर में भी दर्द आने लग गया। तो अब वो आई मेरे पास कि अब इसका क्या इलाज है। तो ऐसे केसेस काफ़ी ज़्यादा पेचीदा होते हैं, क्यों? क्योंकि वो एक पर्टिकुलर तरीके से अपनी ज़िंदगी भर चलते आ रहे हैं ऐसे करके, तो उनको ठीक करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उस पर पैर जब सीधा हो जाएगा तो एटलीस्ट बाकी जोड़ों में प्रेशर नहीं आएगा। तो हम बात करते हैं सबसे पहले उनके कारण क्या क्या हो सकते हैं। तो कारण जो है वो सबसे पहला होता है मसल इम्बैलेंस का। तो जैसे अगर हमारा ये पैर है, ये एंकल है, तो इसमें पीछे की मसल्स होती है एक्लीस टेंडन, और कुछ पीछे की मसल्स होती है जो कि उंगलियों को सप्लाई करती है, और आगे की मसल होती है जो एंकल को ऊपर करती है, जिसको हम कहते हैं टिबियलिस एंटीरियर। तो मसल इम्बैलेंस इन दोनों मसल्स के बीच में, यानी कि जो आगे की मसल जो है वो कमजोर हो जाए और पीछे की जो मसल्स है वो टाइट हो जाए, तो इन केसेस में ये वाला इक्वाइनस कॉन्ट्रैक्चर हो सकता है। कॉमन कॉजेज इसमें होते हैं नर्व पैरालिसिस, जिसको कहते हैं कॉमन पेरोबियल पैरालिसिस, कॉमन पेरोबियल नर्व पैरालिसिस, जिसकी वजह से फुट ड्रॉप नहीं, या फिर पोस्ट पोलियोटिक, पोलियो वाले पेशेंट्स जिसमें कि यहाँ की मसल्स कमजोर हो जाती है और उसकी वजह से पैर पे एक्लीस टेंडन जो है वो बचा रहता है, तो वो जो है कॉन्ट्रैक्ट करता रहता है। तो ये डिफॉर्मिटी के ये कॉजेस हो सकते हैं। या तीसरा होता है कि ये नर्व या मसल डैमेज हो जाए किसी इंजरी के बाद। तो इनफैक्ट मैंने अभी पिछले हाल ही के 1-2 हफ्तों में ही ऐसे 3 मरीज देखे हैं जिनको आज से 10-15 साल पहले चोट लगी, उनके यहाँ के पूरी की पूरी क्रश इंजरी हो गई, जिसमें कि पूरी की पूरी चमड़ी उस समय चली गई थी, वो चमड़ी को रिपेयर कर दिया लेकिन जो मसल्स है अंदर की वो भी डैमेज हो गया, जिसकी वजह से वो पैर ऐसे हो गया। तो इक्वाइनस कॉन्ट्रैक्चर के साथ साथ जो है वो मसल्स और जो स्किन है यहाँ की वो भी खत्म हो रखी है।